भागलपुर सुल्तानगंज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में महज 23 दिन से सोने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरिया पथ एवं गंगा घाटों को युद्ध स्तर से विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं कांवरिया पथ में उजला बालू गिराने का कार्य एवं पीएचडी विभाग के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं साफ सफाई, रंग रोगन कार्य युद्ध स्तर से किया जा रहा है। वहीं डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा 2 दिन पूर्व गंगा घाट एवं कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया गया था। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने मीडिया को बताया कि कांवरियाओं की बेहतर सुविधा के लिए इस बार सभी होटल का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और महिला पुलिस बल की तैनाती हर वर्ष से इस वर्ष बेहतर व्यवस्था करते हुए सभी को निर्देशित किया जाएगा कि कांवरियाओं के साथ मित्रता बनाकर अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हुए कांवरियाओं की मदद करें। जो बाहर से आने वाले कांवरियाओं को पता चले कि पुलिस हर समय कांवरियाओं की मदद के लिए आगे रहते हैं और कांवरिया पथ एवं शहर व गंगा घाट की अस्थायी अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश विभाग के द्वारा दिया गया है। अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रेलवे स्टेशन में भी समन्वयक बनाते हुए कांवरियों की सुरक्षाओं के लिए पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे आपराधिक घटना नहीं हो सके की बात कही गई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए सुल्तानगंज से संतोष कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे पीआईजी के तरफ से तैयारी हो रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग इसको तैयार करके कमरिया के लिए उपलब्ध करें। शुद्ध शौचालय और क्या? शुद्ध शौचालय पेयजल। तो ये कब तक काम आप लोगों का टारगेट है पूरा? ये हम लोग 20 से 25 तारीख के अंदर में कम्प्लीट। नाम बता दें सर। राजेश।